चलिए शुरू करते हैं। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। गजब बेइज्जती है। हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अरे भरे जरा चुप बैठो ना, ऐसा पुकारने से कुछ नहीं होता। आपने कुछ कहा? चुप बैठो थोड़ा। नहीं बैठूंगा। खामोश रहो। सिर्फ जिंदाबाद से अगर नारे से चुन के आते तो फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सब खत्म करो और जल्दी चलो। नीचे उतरो भाई। अरे नीचे उतरो बोले तो क्या है वो? नहीं तो निकाल दो उनको। ये भी ठीक है। स्कीम को नहीं निकालने वाला हूँ, इसको रखूंगा। ए चुप बैठो, कौन है? नहीं तो बाहर निकाल दो उसको। आपको गुस्सा आ जाएगा। ए चुप बैठो, कौन है? नहीं तो बाहर निकाल दो उसको। आपको थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है? क्या जी जादव, आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। जो आगे 2024 में, अरे बैठो भाई चुप। क्यों? हमारे माँ बहन उधर बैठे हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। मैं देख रहा हूँ जरा, अशोक जी और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, तुम महिलाओं को इधर जगह ही नहीं देते। असंभव। या तो उधर देते या तो इधर देते। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं देखा हूँ एक ही मीटिंग में नहीं, मैं 6 मीटिंग में देख रहा हूँ, या उधर बिठाते या इधर बिठाते, बीच में मर्दों को बिठाते। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पहले तो बोलते थे आप, मैं एक बैकवर्ड का हूँ, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। सुनो इधर क्या है? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या?